इसका फल जो है वो 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और फल का वजन पीपल को भी घर से दूरी पर लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो घर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोन साइन फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों गर्मियां जो है बहुत तेज हो गई है और इस गर्मी का एक कारण है पेड़ पौधों का काट देना, यानी कि जितने पेड़ लगाए नहीं जाते उससे ज़्यादा पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं। और ऐसी गर्मी में जो घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं, किसी पेड़ की छाया अगर मिल जाए तो। इसलिए क्या है, हम सबको जो है एक न एक छायादार पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए आज का हमारा जो वीडियो है मैंने इसी टॉपिक पर रखा है कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो हमारे यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं और छाया देते हैं ताकि हम उन पेड़ को लगा सकें। देखिए ऐसे में क्या, बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जो सिटीज से हैं तो वो कहेंगे कि हमारे पास जगह नहीं है लगाने के लिए बड़े पेड़। तो देखिए अगर आप सचमुच पेड़ लगाना चाहते हैं दिल से तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके आसपास की जो सार्वजनिक जगह है जैसे स्कूल है, मंदिर है या कोई और जगह ऐसी है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, या कोई रास्ता है उसके साथ में आप जो है प्लांट जो पेड़ है ये छाया के लगा सकते हैं। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो फ्रूट भी देते हैं हमें, कुछ ऐसे हैं जो फिर रोगों से मुक्त भी कराते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, बनियन। छाया के लिए बरगद का पेड़ बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी जो कैनोपी है बहुत अच्छी बनती है, ये चारों तरफ फैल जाता है और इसके पत्ते बड़े होने की वजह से इसकी छाया जो है वो गहरी होती है। इसके अंदर जो है एरियल रूट्स निकलती है जिससे ये और मजबूत बन जाते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ज़्यादातर बनियन ट्री के नीचे आपने देखा होगा बैठने के लिए चबूतरा बनवा दिया जाता है ताकि उसकी छाया में लोग बैठ सके। नंबर दो, नीम। दूसरा छायादार पेड़ है नीम का। नीम के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। नीम की जो छाया है वो काफ़ी ठंडी होती है। नीम में वैसे भी बहुत से औषधीय गुण होते हैं। नीम की जो ऊंचाई है वो 14 से 15 मीटर से ज़्यादा तक हो सकती है। बरसात के सीजन में नीम के पेड़ के नीचे बहुत से नीम ग्रो हो जाते हैं तो आप वहाँ से भी कोई पेड़ लाकर लगा सकते हैं या इसकी जो फ्रूट है उसके बीज से भी इसको रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। नंबर तीन, कैजुरीना। मेरे यहाँ इसे फिनास के नाम से जाना जाता है। इसकी दो तीन किस्में होती है। एक किस्म इसकी ऐसी होती है जो बोना रह जाता है जिसको बोनसाई के अंदर यूज करते हैं। बाकी जो देसी किस्में हैं वो काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं जो रोड के साइड में लगे होते हैं, उनसे भी काफ़ी छाया जो है वो मिलती है, रोड पर जो है छाया रहती है। मैंने ये फ्रांस जो है कटिंग से लगाया था जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है तो इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी है या आप एयर लेयरिंग से भी इसको तैयार कर सकते हैं। नंबर चार, पीपल। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो हमें छाया तो देता ही है, साथ ही साथ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन भी देता है। इसलिए हम सबको कम से कम एक पीपल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। पीपल को जो है खुली जगह पर लगाना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी फैल जाता है, काफ़ी बड़े जो है इसके ट्री होते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत से ऐसे पीपल के ट्री है जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, यानी कि 100-150 साल पुराने पीपल के पेड़ हैं जो काफ़ी दूर तक फैल गए हैं। पीपल को भी घर से दूरी पर लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो घर के अंदर जो है बहुत जल्दी चली जाती है, इसलिए घर से हमेशा इसको दूर लगाएँ, खुली जगह पर लगाएँ। नंबर पाँच, जामुन। जामुन का पेड़ स्वादिष्ट फल के साथ साथ हमें गहरी छाया भी देता है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो छोटे जामुन आती है, दूसरी बड़ी जामुन आती है। इसके पेड़ जो है काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं और जामुन के बीज को उगाया जा सकता है। नंबर छह, सहसूत। सहसूत का पेड़ भी बहुत गहरी छाया देता है। बीज से उगाए हुए सहसूत जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। वो फल तो इतनी जल्दी नहीं देंगे आपको जब तक आप उनको ग्राफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये छाया बहुत गहरी देते हैं। इनको ज़्यादातर जो है छाया के लिए लगाया जाता है। गाँवों में जो है पशुओं को इनकी छाँव में रखा जाता है ताकि पशु भी गर्मी से बच सके। इसके पेड़ भी काफ़ी बड़े होते हैं और इसकी कैनोपी भी गोल बन जाती है जो कि चारों तरफ छाया फैलाती है। नंबर सात, अकेशिया। मेरे यहाँ इसे जाटी के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाँव में इस पेड़ को जो है खेतों के अंदर लगाया जाता है। इससे क्या है, छाया तो मिलती है साथ ही है सर्दी शुरू होते ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करके इसकी जो ब्रांच है उनको काट लिया जाता है जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हर साल ऐसे किया जाता है ताकि और अच्छे से जो है ट्री ग्रो करता रहे। इस पर लगने वाले फल की सब्जी भी बनाई जाती है और इसके फल को जो है मेरे यहाँ पर सांगर के नाम से जाना जाता है। नंबर आठ, बकायन।
ये देखने में जो है नीम के जैसा लगता है, क्योंकि इसके पत्ते और इसके फ्रूट नीम के जैसे होते हैं, लेकिन ये उससे काफ़ी अलग है। इसके फल खाने के लायक नहीं होते। इसे ज़्यादातर लोग सिर्फ छाया के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जल्दी अगर आपको छाया चाहिए किसी पेड़ से, तो आप बकान का पेड़ लगा सकते हैं। वैसे इसमें भी काफ़ी रोगों को दूर करने के गुण होते हैं। इसकी लकड़ी कच्ची होती है। जो पेड़ जल्दी ग्रो करते हैं उनकी लकड़ी ज़्यादातर आपने देखी होगी कच्ची होती है, जबकि नीम की लकड़ी इससे काफ़ी मजबूत होती है। नंबर 9, शीशम। इसे इंडियन रोजवुड के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। लोग इसको लगाते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो कि फर्नीचर बनाने में काम आती है। इससे मिलने वाली छाया बहुत गहरी होती है। मेरे यहाँ पे शीशम जो है आसानी से मिल जाती है। आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सी शीशम आपको देखने को मिलेगी। बरसात के सीज़न में गवर्नमेंट नर्सरी में आपको 2 रुपये में जो है शीशम का प्लांट मिल जाएगा, जो आप अपने खेतों में या कहीं भी लगा सकते हैं। बरसात के दिनों में वैसे भी बड़े शीशम के ट्री के नीचे जो है ढेर सारी शीशम ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये बीज से बहुत ही आसानी से उगाती है। नंबर 10, लेसुआ। इसे लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फलदार पेड़ है जो हमें छाया देता है। इसके पत्ते जो है वो बड़े बड़े होते हैं और इसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे जो है लहसुआ का पेड़ है ये 50 से 60 साल से भी ज़्यादा उम्र का है। लहसुआ के जो पेड़ हैं उनकी एक प्रॉब्लम है कि ये अब धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं। इनकी जो किस्म है वो लुप्त होती जा रही है। पहले मेरे यहाँ बहुत से लहसुए थे, लेकिन अब गिने चुने 1-2 पेड़ ही लहसुए के रह गए हैं। तो इस पेड़ को आप बीज से ज़रूर ग्रो करें। इस बरसात के सीज़न में आप इसके 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएं। इस पर लगने वाले फल से जो है अचार डाला जाता है। नंबर 11, पापड़ी। मिलेटिया पिनाटा के नाम से इसको जाना जाता है। एक्चुअली में ये 2 तरह की होती है, एक तो करंज पापड़ी, एक दूसरी पापड़ी होती है। इसके पेड़ को आपने ज़्यादातर रोड के साइड में देखा होगा। गवर्नमेंट इस पेड़ को जो है साजने की जगह पे जरूर लगवाती है, क्योंकि इससे बहुत गहरी छाया होती है, जैसे कि स्कूल में, हॉस्पिटल में, मंदिरों में, ऐसी जगह पे। मेरे यहाँ जंगल में हर बार जो है बरसात के सीज़न में ये पेड़ लगाए जाते हैं। इनकी ऊँचाई जो है 8 से 10 मीटर की होती है, लेकिन ये 15 से 25 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 12, बालम खीरा। बालम खीरा 20 मीटर तक ग्रो करता है। इसका फल जो है वो 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और फल का वजन जो है वो 4 kg तक हो सकता है। रोड के साइड में इस पेड़ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ गाड़ियाँ वगैरह आती है तो उनके शीशे पे इसके फ्रूट गिरने से वो टूट सकते हैं या एक्सीडेंट का भी कारण बन सकते हैं। तो इनको जो है खुले एरिया में लगाएं। नंबर 13, गुल्लर। गुल्लर का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। गुल्लर का पेड़ बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। ये हमें छाया देता है और पक्षियों को जो है रहने का ठिकाना देता है। मेरे यहाँ भी एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर प्रवासी पक्षी भी आते थे और ढेर सारे पक्षी रहते थे। इसकी छाया इतनी होती है, जो पुराना पेड़ होता है, जो कि हमारे यहाँ पे पहले एक पेड़ था, उसकी छाया हमारे साथ साथ जो पड़ोसी थे वहाँ तक भी उनकी छाया जाती थी। काफ़ी दूर तक फैल रहा था और काफ़ी दूर से जो है वो पेड़ दिखाई देता था। तो गुल्लर का पेड़ आप किसी खुली जगह पर लगा सकते हैं। नंबर 14, पिलखन। ये भी एक फाइकस की प्रजाति है। इसको वैसे गमले में भी बोनसाई के रूप में लगाया जाता है। इसकी छाया बहुत गहरी होती है। गांवों में जो है तालाब के किनारों पर इन पेड़ को लगाया जाता है। इसको आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसके बहुत से प्लांट जो है कटिंग से लगाए थे। नंबर 15, सिरस। सिरस एक तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है। ये बड़ी आसानी से उग जाते हैं। इसके बड़े पेड़ के नीचे अगर आप देखेंगे तो बरसात के सीज़न में बहुत से छोटे पौधे उग जाते हैं, जिनको आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे खारा पानी है और कोई प्लांट ग्रो नहीं करता है वहाँ पे, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से वहाँ ग्रो करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ सिस्टर के यहाँ पे भी खारा पानी है, तो उनके वहाँ पे सिर्फ जो सीरियस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो जो है छाया के लिए सिर्फ यही पेड़ जो है वो लगाते हैं। आपके यहाँ पे इनमें से कौन कौन सा पेड़ देखने को मिल जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ट्रीज थे जिनको आप छाया के लिए जो है लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि ये पेड़ जो है बहुत बड़े होते हैं, तो घर के ज़्यादा नज़दीक इनको नहीं लगाना है, खुली जगह पे लगाना है। जैसे खेतों में लगा सकते हैं या जो रास्ता होता है, रोड होता है, उसके साइडों में इनमें से कुछ प्लांट ऐसे वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस बार बारिश सीजन जब आएगा तो आप भी ज़रूर जो है 1 या 2 छाया के पेड़ जरूर लगाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।